फ्रेंड्स, हमारे चैनल यूपीएससी प्लानर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि यूपी की एक योजना है, उसके पार्ट टू के बारे में। ठीक है, तो हम जैसा कि 32 डिस्ट्रिक्ट की चर्चा अपने फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम 33 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है देवरिया। ठीक है, ये देवरिया जो है सजावटी उत्पादों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इन सजावटी उत्पादों में झूमर, झालर, पर्दा, कॉस्मेटिक चादरों की कढ़ाई, बुनाई एक्सेट्रा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पीलीभीत। ये बांसुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांसुरी बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो असम से आता है। ठीक है, असम से यहाँ पर कच्चा माल लाया जाता है। ठीक है, और ये जो पीलीभीत है, बांसुरी उत्पादन के लिए देश का अकेला ज़िला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, कि ये देश का अकेला ऐसा ज़िला है जो बांसुरी का जहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ जो है वो खाद्य प्रसंस्करण आंवला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आंवले से मुरब्बा, कैंडी, जैम, जेली, च्यवनप्राश एक्सेट्रा बनाया जाता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में अमरूद और आम का भी उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फतेहपुर। ये बेडशीट के लिए प्रसिद्ध है ये डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आता है फरुखाबाद, ये ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर पीतल के बर्तनों के कारखाने, शीत भंडार और तेल की मिलें हैं फरुखाबाद में। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तांबे, पीतल के बर्तन, पर्दे, साड़ी छीटों आदि की छपाई की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आलू, तंबाकू और खरबूजों के लिए भी यह नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर जो सूट, दुपट्टे, स्टॉल, शॉल एक्सेट्रा पे ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। इसकी डिमांड नॉट ओनली इंडिया में, बल्कि US, ब्राज़ील और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आता है फिरोजाबाद। ये तो टॉप फेमस कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पर कांच के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक कांच की चूड़ियों का यहीं पे उत्पादन होता है। यहाँ पर सजावटी कांच की वस्तुएँ, वैज्ञानिक उपकरण, बल्ब एक्सेट्रा के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रिसमस ट्री और एक्सेट्रा सजावटी उत्पाद भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। इसके बाद आता है फिरोजाबाद के बाद अयोध्या या फिर मुजफ्फरनगर। तो ये जो है ये प्रसिद्ध है गुड़ के लिए। ठीक है, यहाँ पर जनपद की कुल कृषि योग्य भूमि के 20% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के 20% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है और यही गुड़ के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर गुड़ से गज्जक, तिल की गज्जक, लड्डू, चिक्की, गुड़ काजू का लड्डू एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बलिया। बलिया जो है बिंदी के लिए फेमस है। बलिया जो है ये बिंदी के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर बिंदी को स्थानीय भाषा में टिकुली कहते हैं, टिकुली। ठीक है, स्थानीय भाषा में टिकुली बिंदी को यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ से बिंदी का जो व्यापार है वो बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर एक्सेट्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बस्ती, बिजनौर, रायबरेली और सहारनपुर। ठीक है, ये सब कास्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और यहाँ पर सोफ़ा सेट, बेड, श्रृंगारदानी एक्सेट्रा यहाँ पर प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बहराइच, जो कि हमारा प्रसिद्ध है गेहूं के डंठल की कलाकृतियों के लिए। यहाँ पर गेहूं के जो डंठल होते हैं उनसे कपड़े के फ्रेम पर चित्र आकृति तैयार की जाती है। ठीक है, और गेहूं के डंठल की सुनहरे रंग की चमक यहाँ पर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ये चित्रकारी पुरानी होती जाती है, ये इसकी सुनहरी चमक इसमें बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बागपत और हापुड़। ठीक है, ये घरेलू सजावटी सामानों के लिए फेमस है। यहाँ पर किचन टावल, कुशन, होम फर्निशिंग उत्पाद एक्सेट्रा के लिए ये फेमस है। ठीक है, इसके बाद आता है बाराबंकी।
और हरदोई, ये फेमस है हथकरघा हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है बांदा, जो कि फेमस है शजर पत्थर शिल्प के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पर केन नदी से शजर पत्थर प्राप्त होता है, ठीक है, और इसको खोजने से लेके तलाशने तक का पूरा कार्य बहुत ज़्यादा श्रम साध्य होता है। इस पत्थर में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली फल पत्तियों की छवि से बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बुलंदशहर, जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर में भी खुर्जा, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है इन चीज़ों के लिए। यहाँ पर सिरेमिक पॉट्स पर ब्लू आर्टकला यहाँ की पॉटरी की विशेषता है, ठीक है। इसके बाद आता है मथुरा, मथुरा के शीश के लिए प्रसिद्ध है स्वच्छता संबंधी उपकरणों के लिए, ठीक है। यहाँ पर पीतल की मूर्ति, श्रृंगार की वस्तुएं, पत्थर की मूर्ति और बाथरूम फिटिंग का सामान एक्सेट्रा यहाँ पर बहुत मिल जाता है आराम से, ठीक है। और कोर मेकिंग विधि और इस सेंड डाई कास्टिंग विधि के द्वारा अत्यंत सुंदर बाथरूम फिटिंग का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है महाराजगंज, ठीक है। महाराजगंज में हमारा आता है फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, महाराजगंज जो है फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर बेड, सोफ़ा, कुर्सी, दरवाजे, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एक्सेट्रा बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है महोबा, ये महोबा जो है गौरा पत्थर शिल्प के लिए फेमस है, ठीक है। गौरा पत्थर प्राकृतिक रूप से जो पत्थर होता है मुलायम होता है और इसे टुकड़ों में काट काट कर विभिन्न प्रकार की कलात्मक आकृतियाँ बनाई जाती है, कलात्मक सामान तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई, ये तीनों कालीन के लिए फेमस हैं, ठीक है। यहाँ पर कालीन, कंबल, रेशमी कपड़े इनके लिए टॉप फेमस हैं और यहाँ पर तांबे, कांसे और अन्य धातुओं के बर्तन भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मुरादाबाद, ठीक है। ये जो मुरादाबाद है ये धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर कलई की गए पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, इसे पीतल नगरी भी कहते हैं, पीतल नगरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेरठ, ये खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर जालंधर पंजाब के बाद खेल को सामग्री के निर्माण में इसका दूसरा स्थान है, मेरठ का सेकंड, और जो फर्स्ट स्थान है इसमें वो आता है जालंधर, जो कि पंजाब में है, ठीक है। इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिकेट की गेंद, बैट एक्सेट्रा यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मैनपुरी, ये तारकशी कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शीशम की लकड़ी पर पीतल के तार से विशिष्ट कलात्मक कार्य किया जाता है, इसे तारकशी कला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्स, नाम पट्टी का और अन्य सजावटी सामग्री का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर आता है रामपुर, ये पेच वर्क के लिए फेमस है। लखनऊ, लखनऊ फेमस है हमारा चिकनकारी और जरदोजी, इन दोनों के लिए, ठीक है। जैसा कि जरदोजी आप पहले भी देख चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में, कि जरदोजी के लिए उन्नाव, कासगंज, चंदोली, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, ये सब जरदोजी का काम इन सब जगहों पर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ में जरदोजी और चिकनकारी इन दोनों का काम होता है। हम आपको बता दें कि चिकनकारी क्या है। चिकनकारी में सुई और विभिन्न प्रकार के धागों से कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है, ठीक है, सुई और धागों से। जबकि जरदोजी में क्या होता है, इसमें कपड़ों पर सुनहरे और रुपहले तारों, सितारों, अन्य सामग्रियों से कढ़ाई की जाती है, ठीक है। इसको GI टैग भी प्राप्त हो चुका है और यह लखनऊ एम्ब्रॉयड्री के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। जब GI टैग की बात आई है तो कुछ से करंट की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा GI टैग जो है वो भी हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स को दिया गया है, जैसे मदायूर, गुड़, केरल, इसको GI टैग अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। इसके अलावा इरोड हल्दी को दिया गया है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है।
और इसके अलावा सिरसी सुपारी, इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनजातीय शिल्प की। ये लखीमपुर खीरी ज़िले और श्रावस्ती में, श्रावस्ती इसके लिए प्रसिद्ध है। ये बेसिकली थारू जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, जनजाति शिल्प, इसमें बटुए, टोपी, चप्पल, सजावटी सामान का उत्पादन किया जाता है। ललितपुर जो है वो जरी सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। वाराणसी जो है वो रेशम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रेशम उत्पाद में होता है, इसमें बेसिकली बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पर जरी का काम, कास्ट के बर्तनों के लिए फेमस है, लकड़ी के खिलौने एक्सेट्रा यहाँ पर इसके लिए फेमस है। और यहाँ की सबसे मेन जो चीज़ है वो तो बनारसी सिल्क साड़ी ही है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है शामली, जो कि रिम और धुरा के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद आता है संभल। ठीक है, ये जो संभल है सींग और अस्थि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। संभल सींग और अस्थि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कच्चे माल के रूप में, संभल में कच्चे माल के रूप में मृत पशुओं से प्राप्त किया जाता है रॉ मटीरियल यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सिद्धार्थ नगर। ये खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल के लिए फेमस है। ये जो चावल होता है ये खुशबूदार और मुलायम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये सीतापुर जो है वो दरी के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों टाइप की दरियों के लिए फेमस है। और यहाँ से दरियों का जो निर्यात है वो भी किया जाता है, जो कि जापान, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, डेनमार्क एक्सेट्रा देशों में इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है संत कबीर नगर, फेमस है पीतल के बर्तनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर लोटा, कटोरा, थाली, ग्लास, पतीली, जग, कलश एक्सेट्रा यहाँ पर प्रमुख है। ठीक है, हमीरपुर फेमस है जूती के लिए, यहाँ पर चमड़े की जूतियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और हाथरस ये हींग प्रसंस्करण के लिए फेमस है। यहाँ पर कच्चा हींग विभिन्न देशों जैसे अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों में जाता है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये हमने बात की यूपी के पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। ठीक है, ये आपके स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों टाइप के पेपर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।